कन्नौज महासभा का आयोजन किया, कन्नौज महासभा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता हवेन सांग ने किया था, जिससे ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन पर जानलेवा हमला किया था। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने प्रयागराज में महामोज सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक पांच साल पर कराने का निर्णय लिया, जिसके छठे सम्मेलन में हवेन सांग स्वयं उपस्थित था। उसके बाद लिखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम वानभट्ट था। वानभट्ट का निम्न रचना है पहला लिखिए हर्षचरित और डैश देके लिखिए इसमें हर्षवर्धन के जीवनी और उसके वंशजों का उल्लेख है, दूसरा लिखिए कदाम्बरी, दूसरा हो गया कदाम्बरी। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए हर्षवर्धन ने तीन पुस्तक की रचना की। पहला नाग नंदिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। और इसमें लिखने का अगला पॉइंट करके स्टार मार्क पे हर्षवर्धन की मृत्यु 447 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 447 ईस्वी में हुई थी। तो है ना, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर लड़की हंसती है तो हम लोग अट्रैक्टिव हो जाते। देखिए बाबू, लड़कियों का हंसना लड़कियों का आधा है और जो प्यार सबसे बड़ा गधा है ना। हंस की लड़की अगर हंस गई, लड़की हंसी तो फंसी, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर कोई लड़की हंस गई तो उसको जाकर पैर पड़ लो, दीदी चाहे बहन जी हमको मत इस समय लाइए, जिसको दूसरा का फंसाइए, है ना। तो इस चीज से दूर रहिएगा तो आपको जल्दी आपके जीवन में सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़की प्यार करने से लोग सक्सेस नहीं होता। लोग कहते हैं कि जिंदगी में किसी न किसी महिला का और लड़की का हाथ होता है, जी होता है, चाहे वो उन माँ के रूप में हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो आपकी बहन के रूप में है, चाहे वो देवी के रूप में है, लेकिन होता है जिंदगी में हर स्त्री का योगदान रहता है। तो एक खैर हो गई, अगर यहाँ तो ये यह हो गई आपका पूरा प्राचीन भारत का हम लोगों ने सेक्शन कम्प्लीट कर चुका। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों ने पूरे इस समय पर आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे, तो इस क्लास को जुड़ना न भूलेगा, है ना, जो काफी आपका बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक का और नए आपका लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यानी मौखरी वंश, क्या मौखरी वंश इस समय बहुत बड़ा साम्राज्य का अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था, साथ ही मौखरी वंश का पूरे भारत भर में मतलब कह सकते हैं क्या प्रचार सा कि सबसे बड़ा अगर शक्तिशाली राजा था कौन, कनौज। तो हर सब लोग का जो अलग अलग जो वंश देखना है, मौखरी वंश, मालवा, गौर, वर्धन, सभी वंश का एक मेन उद्देश्य था कि किसी तरह से हम कनौज को मौखरी वंश से हम दोस्ती कर लें, है ना। और इसी आपको पता होगा कि मौखरी कनौज और गौर से हमेशा ही लोगों का लड़ाई चलता रहता था, क्योंकि इसका बॉर्डर लाइन है। तो हमेशा मौखरी वंश के साथ साथ कभी मालवा के हम क्षेत्रों पर हमला करके क्षेत्रों को जीत जाते, कभी गौर यानी गौर वंश के क्षेत्रों पर हमला करके जीत जाते। इसलिए मालवा और गौर हमेशा इन लोगों से यानी कनौज यानी मौखरी वंश से हमेशा एक दुखी रहता था, मतलब इनका विरोध रहता था। चूंकि तो ये होगी, तो वर्धन वंश ने जब प्रभाकर वर्धन ने वर का तलाश शुरू कर दिया तो देखा कि हम उतना दूर खोजने जा रहे हैं तो ये हमारे बगल में ही है, कौन, ग्रह वर्मा यानी मौखरी वंश का एक राजा है, कौन, ग्रह वर्मा।